मानव चलिए खाना खाने जल्दी से। मानव क्या मानव बच्चों की तरह कर रहे, चलिए ना जल्दी खाना खाने, सबने खाना खा लिया आप ही बचे। अब एक काम करो अर्चना, खाना यही ले आओ। मानव और बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ना पापा, इनकी खुशियां हमेशा इसी तरह बनाए रखना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे मानव जैसे पति मिले। कुछ देर पहले उन्होंने बेटे होने का फर्ज निभाया और अब यहाँ बच्चों के साथ इस तरह खेलकर अपने पिता होने का फर्ज निभा रहे। सचमुच मानव आप एक अच्छे पति नहीं बल्कि अच्छे बेटे भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा जिंदगी भर साथ निभाएंगे। सारा सामान ले लिया ना? हाँ ले लिया। ये रहा, यही मौका है पता लगाने का। भैया एक मिनट ऑटो रोकना। यशु तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं करके आता हूँ। अभी अचानक? मैं आता हूँ, तुम जाओ। अच्छा भैया चलिए। ये आदमी इस होटल में क्या कर रहा है? मुझे पता लगाना होगा। ये लीजिए सर, करंजकर हाउस के पेपर्स। आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं सारे पेपर्स लाया हूँ। थैंक यू गुजेंद्र, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई कि आपने ये घर दुगनी कीमत में खरीदा। ये घर खरीदने की कोई प्रोफेशनल वजह या पर्सनल? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे एक काम कहा, तुमने किया और मैंने इसकी कीमत तुम्हें दे दी। नाउ दिस प्लॉट इज माइन, व्हाट आई डू विद द प्लॉट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। यू मे लीव नाउ। ओके। अच्छा तो करंजकर घर खरीदने के पीछे चेहरा तो गजेंद्र का था लेकिन दिमाग डीके सर का था। दांव पेच खेलने के मामले में तो डीके सर मेरे भी गुरु निकले। उन्होंने काम के बहाने मानव को शहर से बाहर भेज दिया
और नीलामी के वक्त किसी दूसरे आदमी को भेजकर करंजकर घर खरीद लिया। वाह ठीक है सर, वाह मान गए। क्या जोर का तमाचा मारा है आपने मानव के चेहरे पर। उसने आपको चौल वाला प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया तो आपने तो उसे। अब अगर मैं सीधे जाकर ये बात मानव को बता दूं तो मानव गुस्सा होगा। सीधा यहाँ आकर डीके सर से उनके किए का जवाब मांगूंगा, फिर दोनों में झगड़ा होगा और डीके सर मानव को धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। इसमें मेरा फायदा ही फायदा। मानव के बाद उसकी जगह, उसकी पोजीशन, नौकरी की मुझे ही मिलेगी और डीके कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर पार्टनर भी मैं ही बनूंगा। मैदान में उतरकर कुछ करने का समय आ गया। मानो तुमने चौल वाले प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दिया था, उसी बात का गुस्सा निकाला उन्होंने। वो जानते थे कि वो घर अर्चना और उसकी आई के लिए कितना मायने रखता है। उन्होंने वो घर खरीद कर तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है। मानो हम लोग यहाँ बैठेंगे है ना, मस्ती करेंगे। ओ मेरा क्यों कुछ कुछ ए उठ उठ, ये कुर्सी मेरे दामू के लिए है, बैठ बिठा उसको। अच्छा है, इस दामू के बोझ से तो बचाऊंगी। क्यों नहीं बच बचा बच। तू मेरी कौन है? सेक्रेटरी। तो इतना तुझे मालूम नहीं है? सेक्रेटरी को मालिक के बाजू में खड़ा होना चाहिए। जाके उधर खड़ी रहे, नाटक करती है। अनपढ़ है ना, नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अच्छा तो हम मीटिंग चालू करें। अरे सविता ताई, अर्चना को तो आ जाने दीजिए। अर्चना क्यों चाहिए? मेरे मानव ने ये प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है और उसका बॉस मान भी गया। लो अर्चना भी आ गई। मानो मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाओ, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसी उलझनें पैदा कर देती है जिनमें हमें हमारी अनचाही चीजों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो मैं, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। मानो मैं यहाँ तुमसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये इन्फॉर्मेशन करंजकर घर के बारे में है तो भी नहीं सुनना चाहोगे? मानो मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बताना चाहता हूँ जिसने करंजकर घर खरीदा है। उस इंसान का नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम जिसे अपना आदर्श मानते हो, जिसकी तारीफ करते नहीं थकते, उस इंसान ने छल और धोखे से तुमसे वो घर छीना। उस इंसान का नाम है डीके। मैं जानता था तुम जरूर ऐसी कोई बकवास करो। डीके सर और मेरे बीच दरार पैदा करने की एक और साजिश रची तुमने, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। मानो मैंने कोई साजिश नहीं की। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ जाके डीके सर से पूछो। लेकिन
लेकिन डीके सर ऐसा क्यों करेंगे? तुमसे बदला लेने के लिए। कैसा बदला? तुम्हारे इनकार का बदला। मानो तुमने चौल वाले प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दिया था, उसी बात का गुस्सा निकाला है। वो अच्छी तरह से जानते थे कि करंजकर घर की नीलामी होने वाली, और तुम हर हाल में वो घर खरीदना चाहते, फिर भी उन्होंने तुम्हें शहर से बाहर भेज दिया और तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो घर तुमसे छीन लिया। वो जानते थे कि वो घर अर्चना और उसकी आई के लिए कितना मायने रखता है। उन्होंने वो घर खरीद कर तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है। मानो मैं मानता हूं कि नीलामी के वक्त मैं भी तुम लोगों के खिलाफ खड़ा था, लेकिन मैं तो हूं ही पैदाइशी कमीना। लेकिन वो आदमी जो अच्छाई और ईमानदारी का चोला पहने बैठा है और पीठ पीछे से वार कर रहा है, उसका क्या? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाओ, जाकर पूछो डीके सर से कि उन्होंने करंजकर घर खरीदा है या नहीं। मैं डीके सर के पास तो जरूर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात जरा भी झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव आपने नाश्ता किया? मानव क्या हुआ? मानव मेरी बात तो सुनिए। सॉरी भगवान, प्लीज माफ कर दो। चल भाई, अब तू भी यहाँ से निकल, जल्द से जल्द तुझे ऑफिस पहुँचना है। मानव और डीके के बीच दरार आने के बाद मानव की पोजीशन तुझे ही मिलने वाली, वो पोजीशन, रिकॉग्नाइजेशन, पैसा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमने क्या कहा मानव से? मैंने बस उसे सच बताया था। कैसा सच? यही कि डीके सर मानव की पीठ पीछे उसी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, और मानव इस बात से बेखबर था। धर्मेश, तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्लीज क्लियर बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मानव को तो मैंने बता दिया है, तुम भी सुनो। डीके सर ने जानबूझकर नीलामी से पहले मानव को शहर के बाहर भेज दिया ताकि वो उसके गैर मौजूदगी में खुद करंजकर घर को खरीद सके। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, और वैसे डीके सर ये सब क्यों करेंगे? तुम दोनों मियां बीवी की यही प्रॉब्लम है, किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते। मानव ने चौल वाला प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया था ना, उसी बात का बदला लेने के लिए डीके सर ने साजिश रची थी। तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन सच यही, मैं तो बस मानव की आंखें खोलने के लिए आया था। ये बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गया था, और गुस्से में अक्सर इंसान कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है। मुझे नहीं लगता धर्मेश की बातों में जरा सी भी सच्चाई है। नहीं, उस पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। खैर जो भी हो, सबसे पहले मुझे मानव को रोकना होगा। धर्मेश के बहकावे में आकर कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। मानव तो अपना फोन यही भूल गए, अब कैसे उनसे बात करूं? तुम्हारी चौल के प्रोजेक्ट के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। दैट चैप्टर इज ओवर। बाय। मतलब? मानव, मैंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया है।
मानव, मानव तुम कहाँ थे? अर्चना जी, डीके सर कहाँ? डीके सर बस आते ही होंगे, आई मीन टाइम तो हो गया उनके आने का, लेकिन तुम कहाँ थे मानव? डीके तुम्हें फोन कर रहे थे, तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे, वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। मुझे भी उनसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है, इज देयर अ प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम नहीं है सच, बट मैं यहाँ बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। ऑफिस में इतनी शांति, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? लगता है मैंने मानव और डीके का झगड़ा मिस कर दिया। अरे नीलेश। जी सर। मानव सर आए ना ऑफिस में? हाँ सर आया ना। और डीके सर? सर वो अभी तक नहीं आए, एक्चुअली वो बोरीवली की साइड पर गए हैं, बस आते ही होंगे सर। सर ये कुछ फाइल्स देकर गए थे बाप के लिए, तो आपको देने के लिए बोला सर। मतलब खेल अभी बाकी है, मैं खामखा परेशान हो रहा था। मैं कुछ समझा नहीं सर। नहीं कुछ नहीं, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन पता नहीं डीके सर से बात कर भी पाऊंगा या नहीं, कहीं वो मुझे गलत समझ बैठे तो। क्या प्रॉब्लम है मानव? लो। हाँ मानव। Where were you? मुझे तुमसे कुछ बात करनी। एक्चुअली डीके मानव को भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरा रूटीन चेकअप का अपॉइंटमेंट है, सो आई लीव। एक्सक्यूज मी। अर्चना, ये मेरे गार्ड्स डॉक्टर कोठारी। यस। यस। प्लीज सिट। हाँ मां, इज एवरीथिंग ऑल राइट? बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सर वो मैं ओके, सो अंटिल यू टेक योर टाइम टू कंपोज योर थॉट, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मानव, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर तुम बहुत खुश होगे। आई वॉन्टेड टू टेल यू अर्लियर, लेकिन वक्त मिला नहीं, इतनी भाग दौड़ थी, उसके बाद अपने नुकसान की ना सोचते हुए तुम ऑफिस के काम के बाहर चले गए, सो मेरी जिम्मेदारी बनी कि मैं अपना फर्ज निभाऊँ। So I just did what I thought was right. Sir, आप क्या बोल रहे हैं? मानव करंजकर हाउस मैंने खरीद लिया। जब तुम यहाँ नहीं थे तो उसका ऑप्शन हुआ, जब मुझे पता लगा कि डेट प्रीपोन हो गई है तो I went and bought it. I know ये घर तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, so it is a gift from me to you. सर आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूं, लेकिन सर मैं आपसे ये घर नहीं ले सकता। नहीं मानो, करण जी का हाउस तो तुम्हें लेना हो, आई इंसिस्ट, प्लीज इसके पैसे तुम जब चाहो लौटा सकते हो, आई एम नॉट इन हरी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप आके भी बहुत बड़े दिल के, मेरे चौल वाले प्रोजेक्ट को मना करने के बावजूद भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, केवल मेरे जज्बातों की कदर करके आपने उस घर को तुकने दाम पर खरीदा। सर इतना बड़ा नुकसान। नो मानव, मैं अपना कोई नुकसान नहीं करा रहा हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन रिमेंबर। तुम्हारी आशना मैडम कहती हैं कि अपने लोगों के ऊपर जितना ज्यादा पैसा खर्च किया हो इट इज काउंटेड एज एन इन्वेस्टमेंट in a relationship, and that's what I've done. ek baat aur, tumhari chawal ke project ke bare mein hum koi baat nahi karenge, that chapter is over, right? matlab manav, maine us project pe kaam karna band kar diya hai, so I suggest you also relax. sir lekin aapne wahan itni zameen khareedi hai, karodon rupaye lagaye hain, uska kya? As I said,
फिकर अबाउट इट। करण जिकर हाउस के पेपर्स लो, अपने घर जाओ, बी हैप्पी। नीलेश। यस सर। धर्मेश से कहना कि सुबह जो सारी फाइल्स मैंने भिजवाई थी वो सारी फाइल्स लेकर ऑफिस में आए। ओके सर। डीके सर ने जो फाइल भिजवाई थी उसे लेकर आपको अंदर बुलाया है सर। अब तो हर छोटी मोटी बात के लिए मुझे ही बुलाया जाए। इस ऑफिस का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में जो आ गया।